गुजरात विधानसभा के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। हालांकि प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। दरअसल गुजरात की एक रैली में खड़गे ने पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी के वोट मांगने पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कह दिया कि मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, क्या उनके रावण की तरह 100 सिर हैं? कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सहानुभूति कार्ड को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। खुद को अछूत बताते हुए पीएम पर झूठ बोलने का भी आरोप लगा दिया था। एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, दो बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कितने बार झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। गुजरात विधानसभा के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। हालांकि प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। दरअसल गुजरात की एक रैली में खड़गे ने पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी के वोट मांगने पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कह दिया कि मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, क्या उनके रावण की तरह 100 सिर हैं? कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सहानुभूति कार्ड को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। खुद को अछूत बताते हुए पीएम पर झूठ बोलने का भी आरोप लगा दिया था। एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, दो बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।